तो आम हो या खास, कोई भी कोरोना के संक्रमण में आने से नहीं बचा है। जी हाँ, कोरोना सबको संक्रमित कर रहा है। पुलिस वाले तो बिहार में संक्रमित हैं ही, बीएमपी के जवान संक्रमित हैं ही, अब आईएएस अधिकारी भी संक्रमित हो गए हैं। और खबर आ रही है बिहार के नवादा जिले से, जहाँ एक आईएएस अधिकारी संक्रमित पाए गए हैं। और खबर जो आ रही है उसके अनुसार नवादा जिला के हिलसा अनुमंडल के पदाधिकारी के पद पर तैनात आईएएस अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके बाद से पूरे जिले में हड़कंप मच गई है। जो भी अधिकारी इस आईएएस अधिकारी के संपर्क में आए हैं, उनकी पहचान की जा रही है और उनसे जुड़े चेन का पता लगाने में पुलिस और प्रशासन के लोग जुटे हुए हैं। तो आईएएस अधिकारी भी बिहार में संक्रमित हो गए हैं। ये पहले आईएएस अधिकारी हैं बिहार के जो कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। और अब ये पता लगाने में सरकार जुटी हुई है कि आखिर ये आईएएस अधिकारी कहाँ संक्रमित हुआ, किसने उसको संक्रमित किया और इस अधिकारी के संपर्क में कितने अधिकारी आए। तो बहुत बड़ा चैन हो सकता है, क्योंकि ये अधिकारी कोरोना योद्धा हैं और कोरोना संकट में संक्रमण के खतरे के बीच काम कर रहे हैं। तो संक्रमण का खतरा तो है और ये संक्रमण का खतरा पैदा हो भी गया है। एक आईएएस अधिकारी संक्रमित पाए गए हैं और बीएमपी के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं कि बीएमपी के कई जवान संक्रमित पाए गए हैं। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब पुलिस मुख्यालय के फैसले के अनुसार ये बीएमपी 14 के कई जवान जो संक्रमित हुए हैं, उसके बाद अब बीएमपी के जवानों को बाहर कहीं भी ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा फैसला है कि बीएमपी बैरक में जो रहने वाले पुलिसकर्मी हैं उनको बाहर कहीं ड्यूटी पर नहीं भेजा जाएगा। और इससे थोड़ी परेशानी भी पुलिस की बढ़ सकती है, क्योंकि ये बीएमपी के जवान सब्जी बाजार से लेकर हर चौक चौराहे पर तैनात रहते थे, लॉकडाउन का पालन कराते थे और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते थे। लेकिन अब खुद संक्रमित होने लगे हैं और बीएमपी 14 के 19 जवान संक्रमित हो गए हैं। एक दो जवान संक्रमित नहीं हुए हैं, इसके बाद से ये फैसला लेना पड़ा है और बीएमपी का कोई भी अब जवान बाहर तैनात नहीं होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों की समझ में आए कि खतरा कहीं भी हो सकता है। जो आपकी सुरक्षा में लगे हुए पुलिस के जवान हैं, वो भी आपके लिए खतरा बन सकते हैं, आप उनके लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए लॉकडाउन का सख्ती से पालन करिए। जो छूट मिल भी रही है, ज़रूरी नहीं है तो उसका लाभ मत उठाइए और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।